हाँ, बहुत दिनों बाद माइनक्राफ्ट में आया हूँ और ये मेरा ग्रेव है। और मरने का कारण ज़ॉम्बी, और रियल कारण ये बेवकूफ़ के बच्चे विलेजर्स, क्योंकि ये लोग सोने नहीं जा रहे थे और ज़ॉम्बी इनको मर रहा था। और जानते हो, अगर ज़ॉम्बी आसपास होता है तो हम लोग सो नहीं सकते हैं माइनक्राफ्ट में। सो उनको मारते मारते हम खुद ही मर गए। उसके बाद सुबह हो गई तो वो मर गए। आज का अपना गोल है अपने को कैसे भी इस विलेज में अपना डेरा डालना है, यानी घर बनाएंगे। तो उसके लिए वुड्स जमा करने है। और ओ भाई साहब, मैंने अभी तक इधर का एक भी चेस्ट नहीं खोला था। और ये वुड्स भी दे दो और ये भी दे दो और कचरा रख लो तुम लोग। चलो वुड्स जमा करके मिलते हैं तुम लोगों से गाइस। सो वुड्स तो हमने जमा कर लिया कुछ, और यहाँ पे हम लोगों को बनाना है एक स्वॉर्ड। स्वॉर्ड कैसे बनता है ऐसे ना? नहीं नहीं, ये तो शायद से सवल, हाँ सवल बन जाएगा। स्वॉर्ड्स बना लेते हैं। अबे तू पर जा यार, एक मिनट का स्वॉर्ड बन गया। और एक शील्ड, क्योंकि जो वो होते हैं एम्बॉट वाले स्केलेटन्स, स्केलेटन्स से बचने के लिए हमें शील्ड चाहिए। क्योंकि भाई इनका निशाना एकदम परफेक्ट होता है यार। आँख बंद के, आँख बंद करके मारेंगे तो भी लगेगा निशाने पे उनका, पूरे परफेक्ट टाइम लगता है। बचपन में कंचे बहुत खेलते थे ऐसे। एक और नीचे लॉक जाएगा तो बन गया ये। और इसे इक्विप कर लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी और चलते हैं अपने घर का नींव डालने। ओके, यहाँ से चालू करते हैं डालना। चलो पीछे ट्री है के, यहाँ से 1 2 ये एंड ये 3 जा। ओके, 3 ब्लॉक छोड़ के चौथे ब्लॉक से हम लोग डालना चालू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में हो जाएगा तो तुम लोग एंजॉय करना पहले के। 1 2 3 4 यहाँ पे 1 2 3 के ऐसे ही हम लोगों को पूरे में करना है। आई मीन जितना भी मुझे घर चाहिए उतना भी मैं करूँगा। 2 3 के चलो अब देखते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। सो मैं ये वॉइस ओवर ले कर रहा हूँ कि बताने के लिए कि मैं डायरेक्ट घर बना के तुम लोगों से मिलूँगा, वरना मैं इतना बड़ा नूब हूँ कि मुझे 1 घंटे 2 घंटे लग जाएंगे सिर्फ घर बनाने में। तो मिलते हैं बना के तुम लोगों से वीडियो। मैं डायरेक्ट कट कर दूँगा थोड़ा सा तुम लोगों को दिख। ओके, तो अपना घर रेडी है, देखना चाहोगे? एक क्रीपर देखो। आओ क्या, वही गर्दन हिला रहे, बुला रहे मेरे को। आओ, नहीं आऊँगा, तू फटेगा, तू फट्टू है एक नंबर का, तू फट जाएगा साले। के तो घर देखना है तुम लोग को। 1 2 3 गाइस ये देखो। हाँ थोड़ा सा इधर लेफ्ट साइड से ख़राब हो गया है तो उसे ठीक कर लूँगा मैं कभी टाइम मिलेगा तो। और घर देखने के लिए अब तुम लोगों को अंदर जाना पड़ेगा, यानी मैं तुम लोगों को अंदर घटूर देता हूँ। ये देखो ये सब यहाँ पर डर्ट फील कर देता हूँ मैं जल्दी जल्दी कि डर्ट फील हो चुका है। और ये देखो गाइस, ऐसे लैडर बने हैं दोनों साइड से, लेडर्स मतलब स्टेयर्स को बोलेंगे। कि ये चेस्ट है, यहाँ पे हम लोग कवर स्टोन डालेंगे। यहाँ पे मैं वुडन का सामान सब डालूंगा। और इधर मैं बगल वाले चेस्ट में मैं डालूंगा जो बचे कुछ सामान है वो। और ये चेस्ट इस साइड लगा देते हैं। चलो अब टाइम है कचरा खाली करने का। आई मीन ये कचरा नहीं, इसी से तो मैंने घर बनाए हैं। कचरा तो वो है जो नारुतो में है। ओके, तो खाली कर देते हैं। और ये रहा छोटा सा रूम है, ये फर्नेस, ये बेड। और इसके बगल में हम लोग क्राफ्टिंग टेबल रख देते हैं। और ये नीचे के टूर पे आ जाते हैं हम लोग। तो नीचे पूरा खाली है और नीचे का मुझे एक एक ब्लॉक हाइट बढ़ाना पड़ा क्योंकि मेरा सिर टकरा के 4 बैंडेज पड़ गए मेरे सिर में। सो समझ सकते हो तुम लोग। तो यहाँ पे ये बस ये रहा। और आगे कुछ डेकोरेशन का काम करना है तो वो कर लेता हूँ मैं, और तब मिलता हूँ तुम लोगों से क्लियर व्यू से। सो यार जल्दी वहां से हटो, तुम लोग उधर उधर तुम लोग मत रहो, तुम लोग अपने अपने बाउंड्री पे रहो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और हाँ, आज के वीडियो में ज़्यादा फन नहीं कर पाया मैं, क्योंकि भाई ये वीडियो मैं बहुत ही हड़बड़ी में बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से माइनक्राफ्ट की वीडियो डाली नहीं थी। और
मैं कितना बड़ा नूब हूँ तुम लोग जानते हो। तो ये घर बनाया हमने आज की वीडियो में, और आगे वाले आने वाली वीडियो में हम लोग माइनिंग पे चलेंगे। फार्म मैं ऑफलाइन बना लूँगा, इसकी तुम लोग टेंशन मत लो, और इसका डेकोरेशन भी कर लूँगा। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में।